अस्सलाम वालेकुम मैं फिज़ा और आपको मेरे चैनल पर खुश आमदीद आज मैं बना रही हूँ चिकन पिज्ज़ा ब्रेड जो कि इंतहाई मज़ेदार बनती है और परफेक्टली बेक होती है तो इसकी रेसिपी के लिए आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है तकरीबन ये मैंने एक कप इसमें लिया है मैदा नमक थोड़ी सी चीनी पिसी हुई और दो चम्मच खुश्क पाउडर के लेने हैं एक छोटा चम्मच इसमें ऑयल का लेना है और इसमें अंडा आप एक अदद डाल दें आधा भी आप अंडा डाल सकते हैं या आप आधा अंडा डालें या एक अंडा डालें या आपकी अपनी मर्जी है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी लेना है और उसमें एक टी स्पून येस्ट जो है वह डालकर मिक्स कर लेना है और उससे फिर इस आटे को गूँधना है जितना आटा इसे गूंज जाए गूँ लें बाकी थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऊपर से ऐड करें और इसे अच्छे से गूँद कर तकरीबन आप सात से आठ घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें अब हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं तो ऑयल मैंने लिया है वन टेबल स्पून उसमें एक छोटा जो प्याज था उसको चॉप करके डाला है इसे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है ज़्यादा इसे ब्राउन मत कीजिएगा फिर इसमें दो चम्मच जो है मैदे के डाल देने हैं दो बड़े चम्मच मैंने मैदा लिया था हल्की आंच पर इसे अच्छे से भूनना है मैदे का कच्चापन जरा ख़त्म हो जाए दो से तीन मिनट इसे भूनने के बाद फिर आपने इसमें शामिल करना है दूध दूध आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करना है और फ़ौन इसे हिलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसके साथ साथ इस स्पेशला से आप ये तोड़ते भी जाएँगे कोई पीस रह जाए अंदर हमें ये बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इस तरह से तकरीबन एक से डेढ़ कप आपका दूध का इसमें जाएगा इसे अच्छे से सॉस को बनाने के बाद फिर इसमें डालने हैं नमक थोड़ी सी काली मिर्च और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च बहुत मज़े की लगती है शिमला मिर्च इसमें इसको डाल के मिक्स कर लें अच्छे से और अब मैंने बॉईल करके बॉयल और श्रेडेड चिकन वो इसमें डालूंगी मैंने तकरीबन एक बोनलेस पीस लिया था और इसे सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेना है ये इंतहाई मज़ेदार चीज़ बनने की आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार खाएंगे ये इतने मज़े की रेसिपी है आटा जो है जी सात से आठ घंटे में हमारा तैयार हो चुका है और एक कप से आप दो पिज़्ज़ा ब्रेड बना सकते हैं अगर आपने मज़ीद ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं दो कप से आपका चार आपकी चार पिज्ज़ा ब्रेड बन जाएंगी इसे लंबाई में बेलना है यानी कि आपने जो रोटी है ना इसकी लंबी होनी चाहिए इस तरह से शेप देखिए दोनों मैंने बेलनी है अब जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था ठंडा होने पर उसे मैं इस तरह से दरमियान में रख दूंगी मैं आपको इसकी शेप बनाना बताऊँगी ये फ़िश ब्रेड भी बनेगी आप इसे फ़िश ब्रेड भी कह सकते हैं फ़िश स्टाइल में बनेगा ये देखिए मैं किस तरह से काट रही हूँ थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा साइड से इस तरह से काटते जाना है दोनों जो पिज्ज़ा ब्रेड है वो मैं इसी तरह से काट लूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ इसको फोल्ड कैसे करना है तो ये भी आप देखें एक को उठा के इस तरह से कर दिया फिर दूसरे को उठा के उसके ऊपर इसी तरह से ये आपने करते जाना है स्ट्रिप्स आपने जितने अच्छी और बराबर काटी होंगी उतना ही अच्छा ये आ, होगा और इस तरह से सारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड को फ़ोल्ड कर देना है ये फिश स्टाइल में जी आपकी ब्रेड बन गई है अंडे में थोड़ा सा जरदा रंग डाला था क्योंकि इससे जो है पिज़्ज़ा ब्रेड का ऊपर का कलर बहुत प्यारा हो जाता है दोनों पिज़्ज़ा ब्रेड पे वो अंडा लगा दिया है मैंने और थोड़े से सफ़ेद तेल इसके ऊपर डालूंगी डन हो गया अब मैंने एक प्लेट जो है उसको ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर रख के इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया था अब इसे पैन में डालती हूँ तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 45 मिनट्स तक करना है और 45 मिनट्स बाद ये देखिए इंतहाई मज़ेदार आपकी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो तैयार हो जाएगी आई एम श्योर आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई की ना तो आप इसे हर दफ़ा बनाएंगे क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि आप इसे बार बार बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे